फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स अभी की लेटेस्ट न्यूज है, भारत के दो पड़ोसी देश डूबे, तीसरे ने मांगी मदद, भारत की बड़ी तैयारी, श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस। दो पड़ोसी देश डूबे, तीसरे ने मांगी मदद, कौन है ये तीन? चलो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो श्रीलंका लग रहा है इस वक्त भारत के दो पड़ोसी देश बर्बादी की कगार पर हैं, या कहें लगभग डूब ही चुके हैं। दोनों ही देशों में सरकार बुरी तरह से विफल रही है और अब काम करने की स्थिति में नहीं है। ये देश है पाकिस्तान और श्रीलंका। दोनों ही देशों की बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ चीन का है। हमने बोला भारत था ना? ने कई मौकों पर पाकिस्तान और श्रीलंका को चेतावनी भी दी थी लेकिन वो माने नहीं और अब भुगत रहे हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका की ये हालत देखकर अब नेपाल भी चौकन्ना हो गया है। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री भारत पहुंचे और उन्होंने आगे की रणनीति पर पीएम मोदी से बात की। बहरहाल आपको बता दें कि पाकिस्तान के हालात में सुधार की उम्मीद तो अब ना के बराबर है, लेकिन श्रीलंका और नेपाल को आखिरी उम्मीद भारत से ही है। आपको बता दें कि श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। हालात इतने बुरे हैं कि वहां पर हिंसक प्रदर्शन भी शुरू हो चुके हैं और पूरे देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। स्थिति इतनी गंभीर है कि श्रीलंका के केंद्रीय मंत्रिमंडल को इस्तीफा तक देना पड़ गया। श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है उससे बाकी देशों की आंखें खुल जानी चाहिए। आपको बता दें कि श्रीलंका के इस आर्थिक संकट के पीछे एक बड़ी वजह चीन का पिछले दो दशकों में वहां किया गया निवेश है। चीन ने श्रीलंका में खूब कर्ज बांटा जिसकी भरपाई अब श्रीलंका नहीं कर पा रहा। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि 2021 और 22 में श्रीलंका की चीन को देनदारी $2 बिलियन तक पहुंच गई है। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट पहले ही चीन को 99 साल की लीज पर दिया जा चुका है। अब जब श्रीलंका के पास खुद को बचाने के सभी विकल्प खत्म हो चुके हैं तो उसे भारत की तरफ देखना पड़ रहा है। एक सच्चे पड़ोसी का धर्म निभाते हुए भारत ने भी अब श्रीलंका को बचाने के लिए पूरी जान लगा दी है। भारत ने तुरंत मदद के लिए श्रीलंका को 40,000 टन डीजल पहुंचाया है। जल्द ही भारत वहां 40,000 टन चावल भी पहुंचाने जा रहा है। भारत लगातार श्रीलंका को आर्थिक मदद दे रहा है। भारत ने हाल ही में श्रीलंका में हजारों करोड़ रुपए का निवेश भी किया है ताकि चीन पर उसकी निर्भरता को कम किया जा सके। आपको याद दिला दें कि कुछ ही समय पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी श्रीलंका के दौरे पर गए थे और उन्होंने श्रीलंका को हर संभव मदद का भरोसा दिया। चीन के जाल में फंसे पाकिस्तान, श्रीलंका और अफ्रीका के कई देशों की हालत को देखकर अब नेपाल को खतरा महसूस हो रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा ने हाल ही में भारत का दौरा किया। बिजली, ऊर्जा और पेट्रोलियम सप्लाई को लेकर भारत और नेपाल के बीच समझौते हुए हैं। नेपाल ने अब अचानक चीन के बजाय भारत पर भरोसा करना शुरू कर दिया है। नेपाल अब चाहता है कि वहां भारत की भागीदारी और भी बढ़ जाए। आपको बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद पीएम मोदी ने एक बड़ी बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल की दोस्ती, आपसी संबंध और संस्कृति प्राचीन काल से जुड़े हुए हैं। अनादि काल से हम एक दूसरे के सुख और दुख के साथी हैं। आपको बता दें कि भारत इस वक्त दुनिया के केंद्र बिंदु में है। दुनिया के कई बड़े देश भारत की तरफ उम्मीद लगाए देख रहे हैं, चाहे रूस हो या यूक्रेन, यूरोपीय देश हो या श्रीलंका, सभी को भारत से ही उम्मीद है। तो फ्रेंड्स क्या न्यूज थी, और इससे ये पता चल रहा है कि श्रीलंका और पाकिस्तान की तो बहुत ही बुरे हालात हैं। अब कह रहे हैं कि श्रीलंका को तो फिर भी कुछ हेल्प क्योंकि इंडिया कर सकता है और करेगा तो उनके हालात सुधरने के तो चांसेस हैं, पर पाकिस्तान के सुधरने के कोई चांसेस नहीं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने अच्छे रिलेशनशिप्स ही नहीं रखे इंडिया के साथ, तो इंडिया क्यों तुम्हारी हेल्प करेगा? और तुम किस वे से या किस मुंह से बोल सकते हो कि अभी हमारी हेल्प करो? तुमने हमेशा प्रॉब्लम्स ही क्रिएट की हैं कंट्री के अंदर हमारी, तो वहां पे तो कोई हेल्प नहीं मिलेगी।
पर श्रीलंका को देख लो, इंडिया कितनी हेल्प कर रहा है कि वो कह रहे हैं कि अभी फ्यूल भी भेजा है, खाने का भी भेज रहे हैं और वैसे भी पैसों को भी पैसे भी भेज रहे हैं, तो अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो कौन कंट्री करती है, कोई और होता तो वो बोलता कि भाई तुम लोगों को थी चाइना के साथ, तुम बहुत साथ कर रहे थे, तब तुमको इतना हम लोगों ने कोशिश की थी कि तुम नहीं करो, तब तुमने सुना नहीं, अपनी मर्जी की, और अब जब टाइम ऑफ नीड में अब इंडिया याद आ रहा है। पर इंडिया ऐसा नहीं कर रहा है, इंडिया हेल्प फिर भी कर रहा है, और इसको देख के नेपाल जो है वो जा रहा है, उनको भी अब रियलाइज हो रहा है, क्योंकि मैं बोल रही थी ना हमने जो वो वीडियो किया था कि कैसे अब बेंड हो गए या चाइना की तरफ हो गए थे, तो अब चेंजेस दिख रहे हैं कि जो खास आए हैं, तो उनको अब रियलाइज हो रहा है। पर ऐसा अनफॉर्चुनेटली की सिचुएशन ये कि ये रियलाइजेशन बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। हम कब से वीडियोस कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि जो चाइना के साथ जाएगा वो डूबेगा कर्जे में और उसका उसकी तबाही है। तो अगर हम एज कॉमन पीपल ये देख के बोल सकते हैं, तो इतने जो पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं, जो इतने बड़े बड़े हैं, जिनके थिंक टैंक्स हैं, उनको क्या अभी तक नहीं पता चला था? वो अब जाग रहे हैं, अब आ रहे हैं यहां पर, तो बहुत ही सैड सिचुएशन है। पर चलो, जिन कंट्रीज को ये अवेयरनेस अब आई है, तो एटलीस्ट उससे उनका ये हाल नहीं होगा। और चाइना का तो यही होगा भैया, चाइना किसी को बिना किसी अपने फायदे के हेल्प नहीं करेगा, वो जो है लोन दे दे के दबा देगा और उसके बाद वो कंट्री जो है वो सफर करेगी और डिस्ट्रॉय हो रही है, वही दिख रहा है। और कह रहे हैं अफ्रीका में भी कई कंट्रीज के साथ यही हो रहा है। कितना अनफॉर्चुनेट है कि पूरे वर्ल्ड को पता चल रहा है पर कुछ नहीं हो रहा, फिर भी कंट्रीज फंसी जा रही है इस जाल के अंदर। वेरी सैड। राइट, देखिए इसमें सिंपल सी बात है कि पहले जो है श्रीलंका को चाइना के पास जाना नहीं चाहिए था। वो सब बातें होती है पॉलिटिक्स में कि एक बंदा इंडिया के क्लोज है तो अपोजिशन जो है चिल्लाता रहेगा इंडिया के क्लोज हो, वो करेंगे नहीं, हम चाइना के पास जाएंगे। अब वो पावर में आ गए, वो चाइना के साथ कोलैबोरेट करने शुरू कर दिया। चाइना ने हर जगह अपॉर्चुनिटी देखी, उन्होंने कहा ठीक है हम तुम्हारे को पोर्ट बना देते हैं, हम तुम्हारे को कहीं पर एयरपोर्ट बना देते हैं, हम तुम्हारे को बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, ये सब बनाते हैं, तुम्हें पैसा तो देना पड़ेगा, हमें उधार दे देते हैं, इतने परसेंट पे उधार ले लो। मतलब वो अपना पैसा देते गए बिना ये देखे, और ना श्रीलंका ने देखा कि क्या हमें ये वापस कर पाएंगे हम लोग, क्या हम अपनी जरूरत से ज्यादा चीजें कर रहे हैं, हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो उधार है, उधार तुम लेके बना सकते हो। पॉलिटिशियन को लगता होगा कि देखो मैं अपने टाइम में उधार ले लेता हूं, सब रोड्स अच्छी कर दूंगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दूंगा, लोगों को ये कर सब्सिडी दे दूंगा, सब खुश हो जाएंगे, मैं दोबारा इलेक्ट हो जाऊंगा, दो चार जितनी भी मैक्सिमम टर्म है उसके बाद मैं तो बाय बाय हो गया। तो ये हो रहा है यहाँ पे, और सेम चीज पाकिस्तान में हो रही है। लोग ध्यान से समझ नहीं पा रहे कि ये सब ले तो लेंगे मगर इतने इंटरेस्ट पे वापस कैसे करेंगे, और ये चीजें बन रही है इससे क्या इकोनॉमी हमारी इंप्रूव हो रही है? नहीं हो रही, ये सिर्फ हम फैसिलिटीज ले रहे हैं। तो वही आपको दिख रहा होगा कि सिटीज बढ़िया हो रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, कोई जाएगा बोलेगा अरे लॉस में है क्योंकि यूज तो नहीं रही, कोई भी जाएगा तो नहीं रहा, श्रीलंका कोई भी जाएगा बोलेगा अरे वाह कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, तुम्हारा कितना अच्छा चल रहा है, मगर ये नहीं पता अंदर से उनके पास कोई मीन्स नहीं है ये चीज बनाने के, वो सारे उधार से उन्होंने बनाए थे। अब जो है उधार नहीं पूरा हो रहा तो चाइना वापस आ रहा है कोलैटरल के लिए, वो कह रहा है आपने जो जो चीजें मतलब ये रिटर्न करो, पैसा नहीं दे सकते तो ये ले लेते हैं, ये नहीं तो उनका तो स्टैंडर्ड पूरा बना होगा कि एक कंट्री को जाओ धड़ाधड़ पैसा दो, पहले से ही पता होगा कि ये होना है उनका, ये पहले से उन्होंने देखा होगा, फोरथिंक किया हुआ होगा कि लोन देंगे इन कंट्रीज को देना है क्योंकि ये कंट्रीज वापस दे नहीं सकेंगे और ये हमारी जाल में फंसे, और उनको चाहिए वही कंट्री जो इंडिया के साथ हो जिससे वहां पे अपना प्रेजेंस कर सके, या वो इतनी गरीब कंट्रीज हो या उनका इतना बुरा हाल हो रहा हो कि वो कर्जा जो है रिटर्न ना कर पाए। तो बड़ी सैड सिचुएशन है, पर ये अच्छी बात है कि इंडिया अभी भी, फिर भी देख लो इंडिया का कमाल की फिर भी हेल्प के लिए आगे आ रहा है। वेरी नाइस। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।